आशा आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त। एडमिशन गोइंग ऑन। नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं प्रियंका। ट्रैफिक विभाग के द्वारा अलग अलग जगहों पर रोजाना चेकिंग लगाई जा रही है और इसी सिलसिले में पत्थरकट्टा चौक में भी रोजाना चेकिंग लगाई जाती है। अगर आप घर से गाड़ी के प्रॉपर कागजात, लाइसेंस और हेलमेट पहनकर नहीं निकलते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पत्थरकट्टा चौक के सामने ही पुस्तकालय मैदान है, जहां की हजारों लोग रोजाना हजारों की संख्या में आते हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन फिर भी यहां कई केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, कभी प्रॉपर कागजात नहीं रखते हैं तो कभी उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुर्गा पूजा से पहले कि आपको कौन कौन से कागजात लेने जरूरी है बाहर निकलते वक्त, ताकि आपका दुर्गा पूजा खराब ना हो। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जब घर से निकलते हैं तो टू व्हीलर्स जो चलाते हैं उनको कौन कौन से कागजात लेने नेसेसरी है? सबसे पहले तो रोड सुरक्षा के लिए उसका हेलमेट जरूरी है, और चला जो मोटरसाइकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, धुआं प्रदूषण, ये सब जरूरी है जो अपनी सुरक्षा के साथ साथ। और चार पहिए वाहन वालों को क्या? वाहन में भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है, और गाड़ी तेज गति से नहीं चलानी है, और इंश्योरेंस प्रदूषण उसकी भी बहुत जरूरी है। ये कितना कितना जुर्माना देना पड़ता है अगर कोई प्रॉपर कागजात ना लाए, लाइसेंस नहीं लेकर आए? तो इंश्योरेंस का है 2,000 रुपया, प्रदूषण के है 1,000 रुपया, बिना हेलमेट का है उसका भी 1,000 रुपये है, और बिना लाइसेंस का है सीधे 5,000 रुपया। अगर टू मतलब फोर व्हीलर हो और सीट बेल्ट ना लगाया हो तो? सीट बेल्ट ना लगा तो 1,000 रुपये की जुर्माना है। और अभी मास्क ना पहनने पर कितना जुर्माना लग रहा है? मास्क तो अभी तो सरकार तो बहुत तरह के अपने सुरक्षा के लिए मास्क लगाने की सभी को हिदायत देते हैं कि हाँ मास्क लगा के ही चले, कृपया अपना स्वास्थ्य के लिए। जैसा कि आपने सुना कि लाइसेंस ना लाने पर आपको 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है, साथ ही अगर आप पॉल्यूशन के कागजात नहीं लाते हैं या कोई और कागजात नहीं लाते हैं तो आपको 2,000 से 3,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और ऐसे में आपका त्यौहार किस तरह से बीतेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है क्योंकि हेलमेट, पॉल्यूशन के कागजात से एनवायरनमेंट सेफ रहता है और इंश्योरेंस भी हमारे लिए ही होता है। तो अपनी सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए ज़रूर हेलमेट पहने, प्रॉपर कागजात लेकर आए और चेकिंग से बचे।